ओ जी धीनी घड़ी ओ दिनी भाग मारे 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 ओ दिनी घड़ी दिनी भाग सतगुरु। अरे सतगुरु ओ जी सतगुरु आविया जी मारे दिन घड़ी दिन भा ओ धिन घड़ी धिन भाग मारे धिन घड़ी धिन भाग मारे धिन घड़ी धिन भाग सतगुरु आविया 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 जी मारे धिन घड़ी धिन भाग दयालु घरे आविया दिन घड़ी दिन था सबसे पहली बात। अरे ऊंची पाड़ शब्द कीजियो संतो नीचो जमनानी ऊंची पाड़ ऊंची पाड़ शब्द की जी 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 ओ संतों नीचो जमनानी। अरे ऊंचो चढ़ने जोगियों जी ऊंचो चढ़ने जोगियों जी चाहूंगी सीधी सतगुरु आविया आविया जी मारे दिन घड़ी दिन भाग दयालु घरे आविया आविया जी मारे दिन घड़ी दिन भाग। साहेब कबीर की एक चेली हुई नाम हुआ बाई अमिया। बहुत सुंदर लिखियो कि ऊंची पाल शब्दरी ऊंची ऊंची पाल शब्दरी और नीचो जमुना नीर।
देखिए मित्रों, ये पूरी दुनिया शब्दों की दुनिया है। यदि यू कहें कि पूरी दुनिया का जो आधार है वो आधार शब्द है, इसको यदि शास्त्रिक बात में यदि कहें तो ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड ओम पर टिका हुआ है, ओम नांद है। और यदि दुनिया के सामाजिक रीति रिवाजों में बात करें तो कोई जान पहचान नहीं है, कोई परिचय नहीं है, और आदमी यदि दो बोल मीठा बोल दिया, जैसे आप लोग ट्रेन में जा रहे हो और जब बैठे थे तो सीट के लिए कि भाई साहब सीट थोड़ी ट्रांसफर कर दो, एक्सचेंज कर दो, तो बोले कि नहीं ये हमारी रहेगी। लेकिन जैसे सफर शुरू हुआ, थोड़ी देर बाद में हमारी वार्तालाप शुरू हुई, दो बोल उसने मीठे बोल दिए, दो बोल हमने मीठे बोल दिए, फिर हम जैसा कहेंगे शाम का खाना भी साथ में खाएंगे। ये बोल का प्रभाव है। और बहुत पीढ़ियों की रिश्तेदारी है, बहुत जबरदस्त प्रेम है पति पत्नी का, भाई बहन का, भाई भाई का, माता पिता का, रिश्तेदारों का, सगा संबंधियों का, और गजब प्रेम है, बहुत पुरानी रिश्तेदारी। एक बोल यदि ऐसो कह दियो तो मित्रों बरसों की रिश्तेदारी उस बोल के कारण से बैर में बदल जाती है। तो ये सारी दुनिया शब्दों पर आधारित है। भजन में शब्द है, वाणी में शब्द है, कथा में शब्द है, शास्त्रों में शब्द है। और इसीलिए संतों ने लिखा कि ऊंची पाल शब्दरी और ओ नीचो जमुना नीर। और जब समर्थ गुरुराज शब्द मिल गया तो जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई। आप में से कितने लोगों के गुरु हैं, एक बार मेरे साथ में हाथों को उठा के बताएं कि साहब मैं गुरुमुखी हूं, मैंने गुरु मंत्र लिया है। बोली सप्त गुरुदेव की जय।